नमस्कार दोस्तों, रियल हेडलाइंस न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपका अपना अमित लक्की धवन लेकर आया हूँ जयपुर से एक बड़ी खबर। जयपुर में जज के बेटे के जूते ढूंढ रही है पुलिस। मंदिर के बाहर से उठा ले गए चोर। FIR दर्ज कर CCTV खंगाल रही है पुलिस। जयपुर में मंदिर के बाहर से एक जज के बेटे के जूते चोरी हो गए। इसके बाद मानक चौक थाने में जज के बेटे के जूते चोरी होने की FIR दर्ज कराई है। पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे CCTV फुटेजों को खंगालने के साथ जूते चोरों की तलाश कर रही है। मामले की जांच हेड कांस्टेबल मणिराम कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि राजधानी के महेश नगर के रहने वाले जगेंद्र कुमार अग्रवाल अलवर पोक्सो एक्ट कोर्ट संख्या 1 में जज हैं। 20 अगस्त को शहर के चांदनी चौक स्थित ब्रजनिधि मंदिर में उनके रिश्तेदार का प्रोग्राम था। रात करीब 8 बजे वह अपनी पत्नी और बेटे कृष्णा के साथ प्रोग्राम में शामिल होने आए थे। मंदिर की सीढ़ियों के नीचे उनके बेटे कृष्णा ने रिबॉक कंपनी के जूते जिसकी कीमत 10,000 रुपए थी वो खोले थे। रात करीब 10 बजे वापस मंदिर से बाहर आने पर जूते गायब मिले। इसके बाद जज ने डाक के जरिए जूते चोरी होने की शिकायत भेजी। पुलिस ने वो शिकायत शुक्रवार को मिली उस पर कार्रवाई करते हुए उसी दिन FIR दर्ज कर ली गई। पुलिस अब मंदिर और उसके आसपास लगे CCTV फुटेज खंगाल रही है। इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसा मामला सामने आया था जहां उड़ीसा के डिविजनल रेलवे मैनेजर की बेटी के खोए हुए जूते ढूंढ निकाले थे। दरअसल 4 जनवरी को DRM विनीत सिंह की बेटी के जूते ट्रेन यात्रा के दौरान खो गए थे। वह दिल्ली से लखनऊ के लिए यात्रा कर रही थी। आरोप लगाया गया है कि बगल वाली सीट पर बैठी महिला ने अधिकारी की बेटी के जूते चुराए थे। वह महिला बरेली में उतरी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद बरेली रेलवे पुलिस ने जूते ढूंढ निकाले थे। अब क्या कहूं मैं, आप सब कुछ समझ गए होंगे। ऐसी ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमारे Facebook Instagram पेज को फॉलो जरूर कर दें, जिससे हमारे द्वारा कोई भी बड़ी खबर, न्यूज, घटना, स्टोरी डाली जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका अपना अमित लक्की धवन जल्द मिलता हूँ एक और बड़ी खबर के साथ।